अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। जी व्यूअर्स, इजी नाश्ता रेसिपी नंबर 2, इसमें मैंने मैदा डाला है, थोड़ा सा आटा डाला है, नमक मिर्च और प्याज टमाटर थोड़े से, और 3 अंडे डाल के, और दूध के साथ मैंने ये इस तरह का ये बैटर बना लिया है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त ये एक मैंने छोटी सी रोटी इसके ऊपर पोर कर दी है। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी कुक हो चुकी है। एक साइड हमारी कुक हो गई, आँच थोड़ी सी तेज़ हो गई, उसको कम कर दूँ। तो हमारे वो बहन भाई जो जॉब करते हैं, या बच्चों ने जल्दी स्कूल जाना है, या कोई भी वजह है, कोई रवायती नाश्ता हमारा नहीं बना सकते, तो ये आसान नाश्ता है। बग़ैर पराठा बनाए, बग़ैर आटा गूंदे आप पराठे बना सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों के लंच में देने के लिए। तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स कितना अच्छा, ये मैं खुद ही बना रही हूँ। मेरा कैमरामैन स्कूल की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए नाश्ता मैंने कहा आज मैं यही बना दूँ। तो कितना अच्छा माशाल्लाह से कलर आया इसका। व्यूअर्स चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखा कीजिए, ताकि रेसिपी का अच्छे से अंदाज़ा हो सके। व्यूअर्स काम वही होते हैं लेकिन उसको मैनेज करना पड़ता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने इसको जनाब डिश आउट कर लिया है, अब हम दूसरा डालेंगे पराठा। जी ये देख सकते हैं, इसमें जी थोड़ा सा मैं ऑयल पोर कर दूंगी इस पर, एक चम्मच के करीब, और उसको हिला दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी चम्मच के साथ मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगी, थोड़ा सी इसकी पतली लेयर कर लूँगी, जैसे एक हम चावलों की रोटी जैसे बनाते हैं, चिलड़ा जैसे बनाते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसे थिक रखा है बैटर को, तो आप थोड़ा थोड़ी सी 1-2 चम्मच दूध और डाल के इसको बैटर को पतला कर सकते हैं। ये मैंने आपके सामने डाला ताकि कुक हो जाए, पता चल जाए कि ये व्यूअर्स नमक में, और जो इसमें है मैंने काली मिर्च और थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड किया है। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद है। लाइट पसंद है, बच्चे लाइट खाते हैं। मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च डाली क्योंकि मेरा बेटा बड़ा है, इसलिए जो है ना थोड़ा सा टेस्टफुल इसको किया। छोटे बच्चों के लिए आप सब्ज़ मिर्च स्किप कर सकते हैं, सिर्फ नमक और काली मिर्च हल्की सी डाल सकते हैं। अगर बड़ों ने खाना है तो फिर आप उसके लिए मुकम्मल तौर पर वो कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने फ्लिप कर दिया माशाल्लाह से, कितना अच्छा हुआ। मैंने सोचा आज सुबह सुबह आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं और आप लोग भी बनाएं। व्यूअर्स गली से रिक्शा वगैरह, बच्चे स्कूल का टाइम है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और जिस वजह से ये आपको मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई देंगी। जी व्यूअर्स, मैंने इसका टर्नओवर कर दिया पराठे को, माशाल्लाह से देखें कितने अच्छे कलरफुल है, ग्रीन और ये रेड टमाटर, और ये इसका कलर आता है। बाज़ का तीसरा होती है कि जल्दी होती है तो बंदा बैटर बना के रख लेता है, ये बैटर बना के 2-3 दिन ये फ्रिज में चल जाता है आपका बैटर। ये व्यूअर्स ज़िंदगी को भी इसी तरह मैनेज करना पड़ता है, इंसान अपनी मर्ज़ी से तो कुछ भी नहीं करता, जो कुछ होता है अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक ही होता है। हम तो बस उसके बंदे हैं, जैसा वो चाहे वो करे, हम क्या कर सकते हैं। ये भी एक फलसफा है, एक आर्ट है जिसे समझा जाए। ये वर्ष हमारा आसान नाश्ते का पराठा रेडी हो रहा है, मैं डिश आउट करती हूँ। माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है इसका,
ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ पैन में। मैंने एक चम्मच ही इसमें जी व्यूवर्स, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारे पराठे कितने यमी से, कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह से रेडी हुई हैं। और ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत नरम, बहुत सॉफ्ट, बहुत यमी, टेस्टफुल। ये मैंने एक नवाला तोड़ के खाया है, माशाल्लाह से बहुत टेस्टी, बहुत यमी बने हैं। आप ज़रूर बनाइएगा। हमारे वो बहन भाई जो परदेश में हैं उनके लिए भी ये आसानी है, ये बना सकते हैं जल्दी जल्दी से। इसमें चीज़ डाल सकते हैं आप, चेडर चीज़ डाल सकते हैं, कुछ भी आपका दिल करे आप इसमें डाल सकते हैं। व्यूवर्स, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होता है और एक इनाम होता है जी। व्यूवर्स, मिलते हैं एक नई रेसिपी, नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।